सॉरी सॉरी, यहाँ पर 55 नहीं 45 होगा, 45 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू, इस बार क्या हो जाएगा, 90 एंड 45। इस बार हमारा क्वेशेंट हो जाएगा 90 और हमारा ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। हम लोगों को करना होगा इसे 45 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0। इस बार देखिए आर इक्वल टू 0 आ गया है, मतलब अब हम लोग इसके आगे नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ क्या करेंगे, एस सी एफ ये हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। तो ठीक है, तो जो डिवाइजर रहेगा लास्ट में, अगर आर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो जो लास्ट में डिवाइजर रहेगा वही हमारा जो क्वेश्चन का एस सी एफ हो जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में, हैंस हैंस द एस सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर 45 होगा। आप लोग चाहे तो मिला सकते हैं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3 डन। ठीक है, तो हम लोग 2 नंबर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस दोनों में हम लोग को पहले कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ये साफ दिख रहा है कि ये सबसे ये बड़ा है। ठीक है, तो इसे लिख देंगे हम लोग, ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम इस पर। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए, ऑन यूजिंग द डिवीजन लेमा ऑन इतना एंड इतना। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिविडेंट हो जाएगा, थ्री डिविडेंट क्या हो जाएगा, 38,220 हो जाएगा डिविडेंट। तो इसको हम लोग 196 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर। इसको हम लोग इससे अगर डिवाइड करें तो 195 बार में पूरी तरह से ये कट जाता है और ये रिमाइंडर भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का रिमाइंडर बराबर 0 आ चुका है एक ही स्टेप में, समझ रहे हैं आप लोग, एक ही स्टेप में ये इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया है रिमाइंडर 0। तो इसके बाद हम लोग स्टेप नहीं करेंगे जैसा कि हम लोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा, 196 हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्योंकि हमारा क्या है, क्योंकि 196 ही हमारा डिवाइजर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा उसमें डिवाइजर ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं वो लाइन लास्ट वाला, हैंस द एच सी एफ ऑफ 196 एन 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, एक बार देख ले ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो आप हम लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बनेगा, इसमें भी हमें वैसे ही कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है। तो इसमें कौन बड़ा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये साइन दे दिए उस जिस तरफ बड़ा है उसी तरफ उसका दो दो मुंह खुला हुआ रहता है। हम लोग इन दोनों पर अब डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो लिख लीजिए, ऑन अप्लाइंग
द डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 225। ठीक है, इस बार हम लोगों का ये हो जाएगा क्या, डिविडेंट। तो डिविडेंट को हम लोग इधर रख लेते हैं और ये हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर इनटू क्या होता है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम लोगों का 102 आया है, तो इस बार हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर नहीं आया है 0 के, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे इन दोनों पर, 225 और 102 पर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग द डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 102। तो इस बार हम लोगों का ये हो जाएगा डिविडेंट, 225 हो जाएगा डिविडेंट, और ये हो जाएगा डिवाइजर। इनटू हम लोगों को कोसेंट करना होगा, कोसेंट कितना हम करें, दो होगा कोसेंट, प्लस 51 रिमाइंडर आता है। इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर से हम लोग डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे किस पर, 51 और 102 पर। ठीक है, इस बार तो लगता है हो ही जाना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं, ऑन अप्लाइंग द डिवीजन लेमा, लेमा ऑन 102 एंड 51। ठीक है, 102 और 51 पर लगाने पर क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, 102, इस बार 51 गुना 2 प्लस 0, तो इस बार आर बराबर कितना हो रहा है, इस बार आर बराबर 0 हो रहा है, तो हमारा स्टेप अब यहीं तक रहेगा। हैंस द डिवीजन द एस सी एफ ऑफ आठ सौ सड़सठ एंड 225 इक्वल टू 51। 51 क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोगों को डिवाइजर को करना पड़ता है, एस सी एफ हो जाता है डिवाइजर। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो स्टेप भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं बताया था स्टेप के बारे में, यहाँ पर स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप वन जैसे ये, यहाँ पर स्टेप वन ये वाला इस क्वेश्चन का, और स्टेप टू ये, फिर स्टेप थ्री ये हो जाएगा, स्टेप थ्री ये हो जाएगा, उसी तरह ये पहले क्वेश्चन का भी यहाँ पर लिख दीजिए, स्टेप वन नहीं, ये स्टेप टू हो जाएगा, वन यहाँ पर हो जाएगा स्टेप। ठीक है, और ये हो जाएगा स्टेप थ्री। इसी तरह से आप लोग स्टेप भी लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टेप लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।